सब्सक्राइब कीजिए टेकएस चैनल को और बगल में बेल बटन को दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज टेकएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पे मेरे पास Redmi Note 3 के लिए अभी भी नया अपडेट आया है और मैं आपको दिखा दूं अबाउट फोन में ये रहा Redmi Note 3 एंड अभी जो MIUI का 7.4.13 बीटा वर्जन है डेवलपर, और नया अपडेट जो है सो अभी 25 तारीख का है 7.4.24, देख सकते हैं वीकली अपडेट है। ओके, इसके अंदर हमें मिल जाता है कुछ न्यू चीज़ें जैसे कि चेक इन एवरी डे इन विन पॉइंट एंड न्यू फीडबैक मॉड्यूल्स ऑफ स्क्रीन रिकॉर्ड एंड ऑप्टिमाइजेशन, यस। और कुछ चीज़ें फिक्स भी की गई है, द पीपल कुड नॉट स्टिल प्रेसिपिटेट इंक्लूड द फाइल नेम ऑफ डाउनलोड अटैचमेंट एंड देन समथिंग समथिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको और स्क्रीन पे जो दिख रहा है यही है चेंज लॉग अभी, और मेन जो फोकस किया गया इस बार होम स्क्रीन पे ऑप्टिमाइजेशन रिड्यूस्ड साइज ऑफ होम स्क्रीन आइकन। ओके, तो चलते हैं हम इसे रिकवरी मोड में, चलते हैं यहाँ से। तो डायरेक्टली हम रिकवरी मोड में तो जा नहीं सकते, रिबूट ऑप्शन करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा, और मुझे चाहिए रूट परमिशन। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं रूट यूज कर रहा हूँ एंड देन अभी फिलहाल एक्सपोज मॉड्यूल्स भी यूज कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए एक्सपोज मॉड्यूल्स एंड ये रहा सुपर एसयू। ओके, तो चलिए मैं इसे यहाँ से अभी फिलहाल ओके रिकवरी मोड में चलते हैं। तो ये रहा रिकवरी मोड और डायरेक्टली हम ओके। ओके, तो यहाँ पे हम जो है रिकवरी मोड में आ चुके हैं और हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली इंस्टॉल में जाना है और इंस्टॉल में सेलेक्ट स्टोरेज, तो माइक्रो एसडी कार्ड के अंदर ये है, सॉरी ये है इंटरनल स्टोरेज के अंदर, और डाउनलोड रोम फोल्डर के अंदर होगा आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए, और जी हाँ, इसके लिए मैं आपको बता दूँ ये ZCX रिकवरी है, TWRP रिकवरी। अगर आपके फ़ोन में ZCX रिकवरी नहीं है तो वो स्टॉक रिकवरी से डायरेक्टली रिबूट पे ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा, डायरेक्टली वो रिबूट हो जाएगा और वो जो आपका अपडेट है वो अपडेट हो जाएगा। वरना अगर आपके फ़ोन में बूटलोडर अनलॉक्ड है एंड TWRP डला हुआ है तो आप इसे ZCX रिकवरी से ऑटो अपडेट भी कर सकते हो। ओके, तो ये रहा, सॉरी ये जो है SD कार्ड के अंदर है फिलहाल, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड के अंदर है डाउनलोड फोल्डर में। ये देखिए MIUI HM, ये रहा 7.4.25, इसे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड वन मोर जिप मैं ऐड कर दे रहा हूँ इसके साथ में। अगर आप रूट चाहते हो तो कर दो, नहीं तो आप डायरेक्टली वैसे भी विदाउट ये ऐड किए हुए फ्लैश कर सकते हो। तो स्वैप टू फ्लैश,
ओके, तो यहाँ पे मेरा रोम जो है फ्लैश हो चुका है और अब जो है मैं इसे डायरेक्टली रिबूट सिस्टम कर ले रहा हूँ। और एक्सपोज मॉड्यूल से अभी के टाइम में फ्लैश नहीं करना चाहिए, आपको एक बार रिबूट कर लेने के बाद में दोबारा से रिकवरी मोड में आके आपको जो एक्सपोज मॉड्यूल्स का जिप फाइल है वो फ्लैश करना है, तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है सो अपडेटेड हो चुका है और मैं आपको इसका जो चेंज लॉग दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने चेंज लॉग का स्क्रीनशॉट लिया था, तो उस टाइम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये जो सो होम स्क्रीन में ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है, रिड्यूस साइज ऑफ द होम स्क्रीन आइकन्स, तो आइकन के जो साइजेज है वो रिड्यूस किए गए हैं। और न्यू जो है सो चेक इन एवरी डे विथ डे टू विन पॉइंट्स, यस। तो MIUI का जो फोरम ऐप है आपके फ़ोन में, जो भी ऐप होगा आप उसमें देखोगे तो आपको लिए एक न्यू एवरीडे विन पॉइंट का एक ऑप्शन नया ऐड हुआ होगा। एंड देन न्यू फीडबैक मॉड्यूल फॉर स्क्रीन रिकॉर्डर, यस। तो आप जो है सो अब जो है सो आप अपना फीडबैक जो है सो दे सकते हो MIUI को, जो डेवलपर रोम्स है उसके आप दे सकते हो, बग्स वगैरह सेंड कर सकते हो, वो भी स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो ये चीज़ पहले नहीं था, पहले था कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के दे सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे जो कि आप स्क्रीनशॉट में नहीं समझा पाते हो, स्क्रीन रिकॉर्डर उसके लिए आपको चाहिए। इसके आगे हमारे पास में ऑप्टिमाइजेशन द ऐप ऑफ रिकॉग्नाइज द डिवाइस टू डायरेक्ट टू द फीडबैक ऑटोमेटिकली, तो जो ऐप जो फीडबैक ऑटोमेटिकली है उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। उसके बाद में कुछ फिक्स है, जैसे कि पीपल्स कुड नॉट स्टिल पार्टिसिपेट इन क्लोज वोट्स, तो ये जो सो MIUI फोरम ऐप्स के लिए ही है फिक्स, जो कि उसमें कुछ ऐसे कुछ पीपल्स ऐसे थे जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए इन्होंने फिक्स किया है कुछ चीज़ों को। उसके बाद में इन्होंने फिक्स किया फाइल नेम ऑफ डाउनलोड अटैचमेंट वेर नॉट डिस्प्लेड इन करेक्टली, तो यस डाउनलोड फोल्डर में कई बार ऐसे होते थे जो फाइल और अटैचमेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली शो नहीं होता था, वो इनकरेक्ट होता था कभी कभी, या तो उसके एक्सटेंशन चेंज हो जाते थे या फिर आपके नेमिंग के अकॉर्डिंग नहीं आता था, तो वो चीज़ इन्होंने ठीक किया है। उसके आगे जो सो हमारे पास में फिक्स कुड नॉट लोड मोर पोस्ट इन सम केसेज, यस। तो ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ किया था कि आप कभी थीम डाउनलोड कर रहे तो नीचे जाने पे थीम और भी होते थे, लेकिन वहाँ पे हमें आ जाता था कुड नॉट लोड मोर पोस्ट इन सम केसेज, यस। तो ये चीज़ें इन्होंने फिक्स किया, काफ़ी अच्छी बात है। इसके आगे जो सो फिक्स आइटम डिसअपीयर्स फ्रॉम पेज आफ्टर चेंजिंग फॉन्ट साइज, ओके। तो फॉन्ट साइज अगर आपने अभी तक चेंज किया है अगर अपने फ़ोन का स्मॉल से नॉर्मल या फिर नॉर्मल से बिग, तो इसमें जो सो कुछ चीज़ें डिसअपीयर हो जाता था, जैसे कि साइड से कुछ चीज़ें कट जाना, तो उन चीज़ों को इन्होंने फिक्स किया है। तो अभी के फ़िलहाल या जो 25 तारीख कल का जो ये अपडेट है, तो इस डेट तक ये इन्होंने इतने चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जी हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के फर्दर वीडियो के लिए, MIUI के जितने भी अपडेट्स आते हैं उस वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।